राम वंदे मातरम। आज हम आपको मां मंदाकिनी के चरणों में नमन करते हुए आरोग्य धाम चित्रकूट से अपने इस वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए जो एक हमने अभियान छेड़ रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद और जो नेचुरोपैथी है, मतलब जो प्रकृति विज्ञान है, उसको अपने जीवन में कैसे आत्मसात करके हम तमाम प्रकार की गंभीर से गंभीर बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं, तो उसके तहत आज हम आपको एक और दुर्लभ जो है प्रकृति के जो कृपा है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अभी चूँकि गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और ज़्यादातर लोगों में ये समस्याएं देखी जाती हैं कि अम्लपित्त नामक बीमारी से ग्रसित हैं लोग। अम्लपित्त अर्थात शरीर में पित्त का रसायन बढ़ जाना, एसिड का बढ़ जाना, जिसकी वजह से शरीर में दाह, जलन, गर्मी और गुस्सा, उन्माद, नींद न आना, चिड़चिड़ाहट, त्वचा के तमाम विकार, खुजली, जलन, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, गठिया का बीमारी, लीवर की बीमारी, अल्सर का हो जाना, तमाम बीमारियां पित्त बढ़ने के प्रभाव से जनित होती हैं, जबकि उच्च रक्तचाप भी इसी से संदर्भित है। तो अगर हम इसको संतुलित करना चाहते हैं तो बहुत ही साधारण, सहज, एकदम अत्यंत कारगर उपाय है। उसमें करना क्या है कि आप धनिया लीजिए, जो धनिया है 10 ग्राम धनिया लीजिए, चाहे पाउडर चाहे खड़ी धनिया के रूप में। और क्या करें आप कि उसमें 10 ग्राम सौंठ ले लें, सौंठ पाउडर ले लें, चाहे खड़ी सौंठ कूट करके ले लें। इसको आप 400 ग्राम पानी लीजिए, 400 ग्राम पानी लेकर के इसको आप उबालिए, तब तक उबालें जब तक ये 100 ग्राम शेष ना बचे। 100 ग्राम शेष बचे तो उसको उतार लें और जब ये सामान्य तापमान पे आ जाए तो इसको छान लीजिए। छान करके उसमें 10 ग्राम शहद मिलाइए और आप इसका सेवन करना शुरू करिए। एक हफ्ते में आपको चमत्कार दिखेगा कि जो जलन, दाह, त्वचा में चिलचिलाहट, चिड़चिड़ाहट, खुजली, गुस्सा, गर्मी, अल्सर, बीपी, ये सब बीमारियां आपको लगे छुमंतर होती हुई नज़र आएंगी। तो ऐसी जानकारियां, ये हमारा कोई अपना विशेष रिसर्च नहीं है, ये ऋषि मुनि रिसर्चरों के द्वारा खोजा गया ज्ञान है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप भी इन जानकारियों को और लोगों तक पहुंचाएं ताकि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक विस्तार दिया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके और लोगों तक जो ये जीवन विज्ञान है इसको विस्तार दिया जा सके, इसके बारे में और आस्था और विश्वास क्रिएट किया जा सके। कभी आपको मौका मिले तो माँ मंदाकिनी के पावन चरणों में आकर के आरोग्य धाम चित्रकूट से आप भी लाभान्वित हों। यहाँ का जल बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ है, इनकी जो आणविक संरचनाएँ हैं इस प्रकार से हैं, इसीलिए आरोग्य धाम नाम ही रखा गया है यहाँ पर, कि ये हमें बहुत तेज़ी से हील करता है, बहुत तेज़ी से पोषित करता है, हमारे ऊर्जा चक्र में बदलाव ले आता है और जो जल तत्व है उसको बैलेंस करता है, क्योंकि 70% शरीर जल से ही निर्मित है। तो आप ये जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को और समृद्ध बनाने में सहयोगी बने। हमारे चैनल वैदिक गुरु को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही प्रसन्न रहें, प्रकृति सब पे कृपा बरसाती रहे और हम लोग भी कहीं ना कहीं प्रकृति के निर्माण में इनको संरक्षित करने में अपना योगदान देते रहें। जय सियाराम, वंदे मातरम।